देखो ये है ना, यहां पे देखो, तो ये कॉलम नंबर कौन सा है? सब्जेक्ट थ्री का कॉलम नंबर काउंट करो, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव, यानी सब्जेक्ट थ्री का कॉलम नंबर क्या है? फाइव है, ठीक है। अब मान लो कि ये राम का कॉलम नंबर पता करना हो, रो नंबर पता करना हो, तो ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो जाएगा। राम का क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ना, यही ना राम का है, ये सिक्स हो जाएगा। तो ये रो नंबर और कॉलम नंबर पता करने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? और साथ ही साथ ये भी कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता क्या है या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता क्या है, ये भी जानेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको, इज इक्वल टू का निशान लगाना है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होगा? इज इक्वल टू से। लिखा है ना रोल नंबर, फोर लिखा है ना, फिर देखो ध्यान से, फिर मैच लगा रहा हूं, एम ए टी सी एच मैच हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है सर्च क्राइटेरिया, तो हमें रोल नंबर फोर वाले का खोजना है, तो ये कर दिया हमने, कॉमा दे दिया। अब रोल नंबर फोर मिलेगा कहाँ? तो रोल नंबर फोर इसमें मिलेगा, यहीं पर गलती हो रही थी, तो ये रोल नंबर फोर इसी में मिलेगा, इसी में ना रोल नंबर फोर होगा जी, ठीक है ना। तो रोल नंबर फोर का हमें क्या पता करना है? रो नंबर पता करना है। क्या पता करना है? रो नंबर। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्रीज करना होगा, यानी इसको डॉलर लगा करके फिक्स करना होगा। तो ये डॉलर लग गया, फिर ये डॉलर लग गया, फिर ये डॉलर लग गया। अच्छा ये बताओ, दोनों ही फिक्स हो रहा है ना, रो और कॉलम दोनों ही फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कौन सा सेल एड्रेस बन गया? एब्सोल्यूट बन गया कि नहीं? अब ये बन गया, तो यहां पर अब कॉमा ना लगा करके क्या लगाएंगे? सेमी कोलन, और यहाँ पे क्या दे देंगे? जीरो दे देंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखिए आ गया ना, बता रहा है कि ये फाइव होगा, ठीक है। जिनका रोल नंबर फोर है उनका रोल नंबर क्या होगा? फाइव होगा, है ना। फाइव देखिए ना, वन टू थ्री फोर फाइव, ये उर्मिला का है। और यहाँ पे देखिए, इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ और एक अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए उर्मिला का है ना, ये काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव है कि नहीं है? है ना, क्लियर है। अब देखिए, अब हम रो नंबर तो खोज चुके, लेकिन कॉलम नंबर अब खोजते हैं, ठीक है। जैसे इस बार हमको पता करना है कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट थ्री है ना, सब्जेक्ट थ्री का जो कॉलम नंबर है वो कौन सा है? तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री को लिख लेता हूँ, या यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, कुछ भी। तो हमको क्या पता करना है? सब्जेक्ट थ्री का कॉलम नंबर, तो इज इक्वल टू मैच लगाएंगे, एम ए टी सी एच मैच हो गया मैच। अब क्या करना है? यहां से सब्जेक्ट थ्री को सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेमी कॉलन देना है, कॉमा नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है? सब्जेक्ट थ्री ऊपर ही मिलेगा ना, इसी में ना कहीं मिलेगा, तो केवल टाइटल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, केवल टाइटल, ठीक है। तो न एक भी कम न एक भी ज्यादा, अगर एक भी कम ज्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जितना डेटा था उतना सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसको अब क्या बनाना है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है। एब्सोल्यूट माने पहले कॉलम फिक्स हुआ, ठीक है, फिर इस रो को फिक्स कर दिया, तो बन गया ना एब्सोल्यूट, दोनों फिक्स हो गया तो बन ही गया एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये दोनों को फिक्स कर दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पर क्या करेंगे? इसको भी फिक्स करेंगे और इसको भी फिक्स करेंगे, तो जो तीसरा सेल एड्रेस है ना वो है एब्सोल्यूट। तो इससे एब्सोल्यूट आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ मैच का फॉर्मूला भी क्लियर होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के जीरो देंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए ना, सब्जेक्ट थ्री का जो कॉलम नंबर है वो फाइव है। तो काउंट करते हैं, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, फाइव है कि नहीं है देख लीजिए, क्लियर है। अब मान लीजिए सब्जेक्ट थ्री का नहीं देखना था, किसी और का देखना था, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे, ये जो सब्जेक्ट थ्री लिखा है ना इसको चेंज कर दीजिए। मान लीजिए हमें टोटल का देखना था, तो टोटल को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले आके पेस्ट कर देते हैं। देखिए जब भी हटाएंगे ना, तो यहाँ एन एरर आ जाएगा। ये एरर वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि वैल्यू फाइंड नहीं होती है, एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए तुरंत यहाँ टोटल करते ही टोटल का जो कॉलम नंबर है वो सात आ रहा है। अब काउंट करके एक बार देखते हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है। तो देखिए टोटल का जो है रोल कॉलम नंबर वो सेवन है कि नहीं है, है ना, ठीक है। अगर इसके जगह मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ, जैसे इसको हटा दिया, एम ए एक्स लिख दिया या एम आई एन लिख दिया, मिन, तो मिनिमम का क्या है? मिनिमम का नाइन है, तो काउंट कर लेते हैं ना एक बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन है कि नहीं है देख लीजिए एक बार, क्लियर है 100%? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ गया ना एकदम क्लियर? इसको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है।